मुन्जी आलम बशरीत इमाम ज़माना अजल शरीफ़ के णवान से हबारत जारी और सारी है अलबत् कुछ मुनासिबतों की वजह से जिसमें से सबसे मुहम आयाम फातिमिया जिसका सिलसिला अभी तक जारी और सारी है और उसके अलावा शहादत हज़रत मासूम कुम स और दीगर जो मुनासिबात उसमें पेश आए यकीनन उन पर भी हमने गुफ्तु की जो कि ख़ुद हज़रत के गैबत के साथ उनका इन मुनासिबात का और इन शख़्सियात का एक गहरा तालक़ है आज इन मुनासिबात से पहले जो जिस बहस पर मैं गुफ्तू कर रहा था ख़ुद हज़रत के ज़हूर के अनवान से हज़रत के जहूर के अनवान से ये सवाल अगर उठा दिया जाए कि क्यों हजरत क्या हज़रत का जहूर जहूर के लिए इंतज़ार किया जा रहा है यानी इसको अगर दूसरे एवारस में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ख़ुद ूर हज़रत मुन्जी आलम बशरीत इमाम ज़माना अजल्ला तरजरीफ़ उसके बाद जो ज़हूर है ज़हूर के बाद जो ज़हूर के ज़हूर से पहले जो ज़माने ज़मान में इंतज़ार है जो जो इंतज़ार किया जा रहा है इसका क्या फ़लसफ़ा है ये क्यों किया जा रहा है और इसका क्या समारा बाद में जो है वो रूनुमा होगा आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि फ़लसफ़ा जो इंतज़ार का है जो जहूर के लिए जो इंतज़ार किया जा रहा है और उसका फ़लसफ़ा है इमाम रज़ा आ सलाम ने फरमाया कि मा अहसन मा अहसन वबर व इंतज़ारफ़रज कहते किस कदर जो है ये बेहतर है कि सबर किया जाए जहूर के लिए जो इंतज़ार किया जा रहा है उसको सबर के साथ अंजाम दिया जाए यानी एक ये कह सकते हैं कि ख़ुद जो शख्स मुंतजर है उसके वजूद में एक सबर का मादा एक सबर की तमरीन ये आ जाती है और मैं ये अर्ज़ करूँ कि कुल कायनात को अगर हम ग़ौर करें कुल कायनात में गौर करें तो ये दुनिया जो है जो इस दुनिया में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये जो है हर चीज़ में आपको सब्र ही सब्र करना होगा हर चीज़ पर सब्र जो शख्स जिस जगह पर सब्र ना करे वो शख्स जो है चाहे दुनियावी अमूर हो या दीनी उमूर हो घाटे का सौदा कर लेता है यानी गोया ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ने इस दुनिया में जो बशरीत को उतारा उस बशरीत को सबर के कायदे से उसको आगाह कराया कि आपको हर मोड़ पर सबर करना होगा मिसाल के तौर पर दीनी उमूर में या दुनियावी उमूर में इंसान अगर पैसे कमाना चाहता है तो उसको सबर करना होगा यह नहीं है कि इंसान जाके एक ही दिन में अमीर हो जाएगा एक दिन में कोई अमीर नहीं होता अमा ये कि कोई इस्तेसनात ऐसे हो या दफीना उसके हाथ लग जाए मसला यह जो है वो कोई हराम तरीके से किसी के पैसे के ऊपर खुदा न खासा हाथ डाल दे तो ये सब चीज़ें तो हो सकती है इस्तेसनात तो है लेकिन यह है कि इंसान एक दिन में जो अकली तरीके से और सह तरीके से अमीर नहीं हो सकता ये दुनियावी अमूर की बात है सब्र इस शख्स को करना होगा हार्ड वर्किंग करनी होगी मेहनत करनी होगी उसके बाद जो है उस समय तक ये शख्स पहुंच जाएगा सब्र यहाँ पर भी ज़रूरी और लाजमी है एक शख्स है उसने इंजीनियर बनना है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो उसको आप मुझसे बेहतर जानते हैं पहले तो उसको एफएससी करनी होगी फिर जाके इंजीनियरिंग का कोर्स करना होगा जाहिर है कि तीन साल या चार साल उसके बाद जो है ये शख्स इंजीनियर बनेगा किसी ने डॉक्टर बनना है उसको भी यही तरीक़ा है कि सबसे पहले एफ ई सी करके फिर उसके मेरिट का मसला होगा कि कितने उसके मार्क्स है क्या है उसके बाद जो है वो डॉक्टरी मेडिकल जो है उसका मुकम्मल कोर्स करेगा जितना भी उस पर वक्त लगे चार साल तीन साल पाँच साल वो ये करेगा और उसके बाद जो मरहला है अगर किसी को मज़ीद मरहले में जाना है तो ज़ाहिर है उसको फिर भी सब्र तहमल का इंतज़ार सब्र तहमल के साथ इंतज़ार करके हार्ड वर्किंग करके अपने मकसद तक पहुँचना है यहाँ पर भी कुल सब्र जो है वो मौजूद है दीनी उमूर हो या दुनियावी अमूर हो हर चीज़ का ताल्लुक सब्र से है शब्र जिस शख्स में नहीं है ना वो शख्स नुकसान कर जाएगा अगर ड्राइवर है ना उसने किसी मकसद तक पहुंचना है ड्राइवर है किसी एक और शहर उसने जाना है आठ घंटे का सफ़र है ज़ाहिर है इसको सब्र करके आराम आराम से जो है वो गाड़ी को चलाना होगा और फिर जो है सब्र तहम्मुल के साथ आठ घंटे सफ़र करके जो कायदातन ये आ, उसने पहुंच जाएगा अगर ये शख्स सब्र नहीं करेगा ना तो वो इंजीनियर इंजीनियर नहीं बन सकता वो कहे मैं एक रात में मैंने कल इंजीनियर बनना है ये ऐसा कुछ नहीं है ये शख्स जो डॉक्टर बनना है ना ये कहे मैं एक दिन में डॉक्टर मैंने बनना ऐसा कुछ नहीं होता अगर ये शख्स जो है जो ये इस चक्कर में है इस ये ड्राइवर कि मैं जो है आठ घंटे नहीं बल्कि मैं तो दो मिनट में मैंने पहुंचना है तो ये फिर जो है ना इसको कहीं एक्सीडेंट ही करेगा ये और अपने मकसद तक सही नहीं पहुँच सकता यही सिलसिला इस इंसान का है इस इंसान का है खिलकते इंसान से अगर हम अपने बच्चों को यह दर्श दे देना यह मैं इंतजार जहूर के से बात कर रहा हूं अगर हम उसको यह ये, ये दर्ज देना कि बेटा जल्दी नहीं करनी है जल्दी शैतान का काम है इंसान जल्दी नहीं करता आराम से यह वो करेगा ना आराम आराम से यह जाएगा सब्र का मादा इस बच्चे में अगर पैदा हो जाए ना और यह समझ जाए खुद हम लोग भी समझ जाए जिंदगी के फलसफे को तो ये शख्स कामयाब हो जाएगा आपने सुना है ना कि बस औकात एक शख्स जो है जहूद करते करते उसकी जान चली जाती है फौत हो जाता है एक शख्स जो है वो मसला मेंटल हो जाता है ये बेसब्र है ये बेसब्री कर रहा है बाज लोगों को आपने देखा दिन भी काम करते हैं रात भी काम करते हैं दिन रात काम करके पागल ही होना है उसने सब्र तो यह शख्स कर नहीं है सबर का मतलब है एतदाल एतदाल जो 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 इस काम के लिए तरीका है उस तरीके से जाओ जो, जो रफ्तार मुशखस कर गई गई की है उस रफ्तार को आप पकड़ लो ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो एक चीज में जल्दी जल्दी करने लग जाए और जाके घाटे का सौदा करे जहूर हजरत मुंजी आलम बशरीत इमाम जमाना जल्लाह शरीफ का भी यही तरीका है दुआ का कहा गया है कि दुआ करो ज़रूरी है कि इंसान दुआ करे, लेकिन दुआ ऐसी ना हो कि इंसान जो है वो हद से ज़्यादा जो है जैसे बाज़ लोगों को आपने देखा है ना ऊपर आवाज़ से जो है वो इमाम को बुला रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होगा आपके लिए दुआ का कहा गया है और वह तरीका भी बताया है आपको कि किस तरीके से आपने इंतज़ार करना है इमाम रिजा सलाम ने जो ये फरमाया मा अहसन मा अहसन सब्र वितज़ारफ़रज इसका फलसफा भी यही है कि किस कदर बेहतर है कि इंतजार फरज को ज़हूर के इंतजार को सब्र के साथ अंजाम दिया जाए सबर बहुत जरूरी चीज़ है सब्र जो है बहुत अजीम चीज़ है अल्लाह ने पूरे निज़ाम इस सबर के ऊपर रखा है रोजे के लिए कहा ना कहा सोमो सबरुन फरमाया जो रोजा है ना वो भी सबर है सबर आपको बताया जा रहा है कि पूरा दिन एक इंसान अगर भूख और प्यास का भी रोजा है ना तो वो मगरब तक सबर करेगा एक शख्स है अपने अपने हवास के ऊपर उसने काबू पा लिया है उसको मसलन ये छोटा सा जो रोजे का जो सबसे कम दर्जा है वो ये है कि इंसान भूख और प्यास से परहेज़ करता है भूख और प्यास है खाने और पानी से परहेज़ करता है तो ये शख्स जो है वो क्या है सबर कर रहा है उसके ऊपर हर चीज़ के लिए रोज़ा जो है वो भी अल्लाह ने सब्र सिखाने के लिए कि इंसान को सब्र सिखाया जाए रोज़े को रखा है इंतज़ार हज़रत ज़माना अजल शरीफ भी इसी तरीके से है सब्र के साथ के इसा सब्र तहमुल के साथ इंतज़ार हजरत इमाम जमान आजल्ला तरज शरीफ करें इस पर ज़ोर न दें बेशक वो है दुआ का है कि इंसान दुआ करे लेकिन ऐसा ना हो कि खुदा नखास्ता हद से ज़्यादा हम उस चीज़ में जो है वो पक्के हो जाए मसलन लगाए हैं भाई जोर लगाया हुआ है कि इमाम जो है वो इन्तिज़... इमाम जो है वो ज़हूर करें ये थोड़ी ना ऐसे होता है ऐसे तो नहीं होगा जाहिर है कि जिस निज़ाम पर अल्लाह ने अपने खलीफ तो को अल्लाह ने अपने खलीफा को जो रखा है तो जाहिर सी बात है कि इंतज़ार आप इंत, आपका काम इंतज़ार है जहूर जो है वो खुदाई अमर है आपको कहा गया दुआ करो आप दुआ करो अब आप नमाज़ पढ़ रहे हो क्या इसका फ़ायदा अल्लाह को पहुँच रहा है नहीं अल्लाह ने निज़ाम बनाए हुए आपने नमाज पढ़नी है और इसी तरीके से आपने रोज़ा रखना है तो ये सब एक आपके अपने जिम्मेदारी है जो आपने कर इसी तरीके से दुआ भी इसी तरीके से की जाती है यहाँ पर एक सवाल जो मैंने इब्ताय प्रोग्राम में आपकी खिदमत में बयान किया कि हम क्यों हज़रत इमाम जमाना फरजहु शरीफ के मुंतजर है मुंतज़र और इंतज़ार का क्या फ़लसफ़ा है क्यों इंतज़ार किया जा रहा है आखिर ज़रूरत क्या है किस लिए इंतज़ार किया जा रहा है क्यों जो है हम आखिरकार इतने सारे लोग हैं जो इंतज़ार नहीं कर रहे वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में असल मुसलमान ही नहीं है असल मुसलमान ही नहीं है ज़िंदगी गुजार रहे हैं बैठे हम भी बैठ क्या है क्या चीज़ क्या है वजह क्या है असल हकीकत यह है कि अगर हम सही मानों में मुंतज़र हैं वाकयन हमारा इंतजार का सिलसिला है तो वाक इंतज़ार मुफीद है इंसान जो है ना ज़मीर इंसान का नहीं मरता जमीर जो है वह इंसान का जिंदा रहता है ज़मीर मरे का क्या मतलब है कहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी ये शख्स इसका ज़मीर मर चुका है और इसका ज़मीर जिंदा है जो शख्स अल्लाह के बंदों पर रहम ना करे समझ जाना कि इस बंदे का ज़मीर क्या है मर चुका है ये 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 मुंतज़र ही नहीं है ये झूठा है फ्रॉडी है अगर अपने आप को ये कह भी रहा है ना कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने मौला का ये झूठ बोल रहा है दूसरों के ऊपर लम करना दूसरों के ऊपर सख्ती करना मसला आपको कोई ना कोई ओहदा अल्लाह ने दे दिया ना उस ओहदे से दूसरों के ऊपर उसको दबा देना उसको जो है गिरफ्त करना जोर शोर शराबा उसके ऊपर डाल देना छोटी सी गलती करे उसको जो है इस तरीके से जलीलुखार कर देना ये ये मलऊन है ये इसका इंतजार से कोई ताल्लुक नहीं है इंतजार से क्या मुराद है इंतजार से मुराद ये है कि इंसान का जमीर जिंदा रहता है अल्लाह के बंदों पर रहम करता है सिल रहमी है लोगों के काम अगर कर सकता है ना दिल इसका है अगर फिल इरादा यानी अगर फिल आ, फ, फिजिकल तरीके से कादिर नहीं भी है तो ये जो है बिल इरादा इरादा इसका ये है कि लोगों के काम जो है वो हो जाए ये जब ये जब इंतज़ार इंतज़ार सही तरीके से ये शख्स है जो अपने मुंजी का मंतज़र है अब मैं आपको बताऊं कि ये इंतज़ार क्यों ज़रूरी है इंतज़ार इस वजह से ज़रूरी है कि मैं आपकी खिदमत में याद करूं जो ग़लती हमारे साथ जो दूसरे मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना जिन्होंने ये ग़लती की है ना कहीं वो ग़लती हम ना कर जाए उन्होंने क्या ग़लती की अल्लाह ने अल्लाह ने अल्ला निज़ाम ऐसे बनाया कि ज़माने में एक हादी को रखा कि ये मेरी हजत होगी तमाम इंसानों के ऊपर अब उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने हजरत को छोड़ के दूसरे लोगों को पकड़ने शुरू कर दिया अपने अकल का खुदाई निज़ाम को छोड़ के अपने अकल से उन्होंने काम किया कहा भाई ये फलाम बंदा ज़्यादा मुस्तक है मुस्तक है ये शख्स और ये जो है न खलीफा इसको होना चाहिए और ये हमारा सरदार होना चाहिए वो फ़लां के पास में नवूज़बिल्लाम उस से उससे बेहतर है हमारा निज़ाम ये है कि अल्लाह ने हुज्जत को इस वजह से हमारे ऊपर ये तयन की है कि जिस तरीके से अगर मैं ये मिसाल इंसानों के लिए नहीं दे रहा लेकिन वाकई ना ऐसी अगर किसी चीज़ को ऐसे खुलेआम छोड़ दिया जाए ना तो निज़ाम ख़राब हो जाता है कोई ना कोई रखवाला जो है ना वो होना चाहिए उसका कोई भी हो आपने बच्चों का ऐसे खुले आम छोड़ दिया ना बिगड़ना ही है ना उन्होंने बिगड़ जाएंगे कोई जो है नशा करना शुरू कर देगा कोई और काम शुरू कर फायदेमंद साबित नहीं होगा अगर उसको खुले आम छोड़ दिया जाए ये तो पक्की बात है इसी तरीके से मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने गोया निजाम ऐसे रखा है कि हम जो है हमारा कोई ना कोई सरबरा हो यही तो गदीर के मौका पर जो जो ऐलान हुआ था और आज भी जो आ, वली के माने के ऊपर जो है अख्तिला है कि वली का माना क्या है हम कहते हैं वली का माना सरपरस्त है यही पर तो वो काम आएगा कि हमारा जो इमाम है वो हमारा सरपरस्त है अल्लाह ने उसको हमारे ऊपर रखा है हमारे हमारी एक उम्मीद है कि इमाम जो है इस दौर के मौजूद है वो हमें देख रहे हैं और आखिर उसने उन्होंने, उन्होंने जो है वो ज़हूर भी उन्होंने करना है तो ये एक ये है कि एक उम्मीद जो है वो हमारे वजूद में है वगैरह इस तरह तो ज़मीर हमारे मर जाएंगे अगर हम ये कहें कि हमें खुलेआम हम छोड़ दिया गया है और एक किताब पकड़वा के कुरान मजीद जो कि अजीम किताब है पकड़वा के छोड़ दिया है कि जाओ आप अपना काम करो जो भी करना तो इस तरह तो ये ज़मीरें जो है वो मर जाएंगी हमारा कम अज कम जहन में एक निजाम होना चाहिए कि कोई तो है जो हमारे ऊपर है कोई तो है जो हमारा सरपरस्त है इस तरीके से अगर आप इंसानों को कोई भी है ऐसे खुलेआम छोड़ दिया जाएगा तो वो तो मैं इस उनवान से कह रहा था कि अगर ये शख्स अपने मौला से ये कह रहा है कि हां हमारा सरपरस्त है तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे काम नहीं करेगा इसकी तौहीन करें उसकी तौहीन करें इस पर जो है वो इसको तंग करे इसको तंग करे और अतराफ़ की गुफ्तु शुरू कर दे चोरी डकेती नवोजिल्ला मसला एक पैसे के लिए थोड़े से पैसों के लिए झूठ बोल देना अक्सर होता है और जो है वो अपने खुद की ज़मीर को फ़रोख्त कर देना लोगों को लोगों के हाथों तो ये सब वो चीज़ें हैं कि जहाँ अंदाज़ा ये होता है कि अब ज़मीर मर चुका है अब ये ये शख्स जो है ना बेजमीर किस्म का शख्स है जिसको सही माना ये है इसका कि हम अगर हमारी उम्मीद है दिल में हमारी उम्मीद है तो फिर जाहिर सी बात है कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो हकीकत जो इंतज़ार का फलसफा है वो ये है कि कई जो है ऐसा ना हो कि हम हमारी जमीरें जो है वो मर जाए दुआ अगर हम ज़हूर के लिए कर रहे हैं अपने ज़मीर को जिंदा करने के लिए एक चीज होती है तो मैं इस इसवान से जो है एक खास फायदा है इंतजार हजरत इमाम जमाना अजल्ला तरजरीफ को जिस पर पहले मैंने मुकदमे सबर बांधा वो भी इस बान से है कि हम अगर जहूर में जहूर के मुंतजिर है जमान में जिंदगी गुजार रहे हैं इंतजार कर रहे हैं तो हमारा किरदार किस तरीके का होना चाहिए क्या फर्क बनेगा यार जो वो दूसरा जो है वो भी वही काम कर रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं वो भी यह कर रहा है हमारे यहां तो किसी काफिर के भी पैसा खाना आराम है किसी काफिर की तोहिन करना आराम है किसी काफिर के वो काफिर है क्या है इंसान नहीं है वो जो आमिरमी सलाम ने फरमाया कि दो दोनफ है एक इंसान को जो है वो दो सिंफ से आपके आप जो है वो समझे एक तो यह है कि अगर या तो दीनी एतबार से आपका आपका मुशाबे है या जो है वो जिसमी एतबार से इंसानियत के अतबार से किसी इंसान की जो है वो बेहुरमती नहीं की जा सकती तो हम लोगों का जो असल जो 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 फ़लसफा है जहूर हज़रत मुंशी आलम बशरीत इमाम ज़माना जल्ला शरीफ़ है वो ये है और मैं ये एक नुक़ता मजीद भी अर्ज करूँ प्रोग्राम के साखिर मौके पर बहुत सारे ऐसे अमूर हमारे हैं वाक ऐसे लगता है ना कि हम वाकया ज़हूर के मुंतज़र बहुत सारे कामों में जो है ना हम कुफ्रियात बकना शुरू कर देते हैं नोमीदी ये काम नहीं होगा आप अपने मौला के ऊपर इसको छोड़ दीजिएगा इस काम को अल्लाह की कसम होना होगा ना या आपके लिए बेहतर होगा हो जाएगा किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है यह मैं पहले अपने लिए कह रहा हूं मौला के बार गांव में फिर आप लोगों के लिए यह नुस्खा मैं बता रहा हूं आप यकीन जानो किसी को खुशामत करोगे ना चार दिन आपको फायदा दे देगा दो दिन आपको आपके लिए फायदेमंद होगा चार दिन एक साल दो साल आखिरकार फिर जलालत का सामना करना होगा बुनियाद जो आपने गलत रख दी है चोगलखोरी करके ना आपने कहीं से कोई फ़ायदेमंद आपने कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है ना एक साल दो साल आप फ़ायदा उठा लोगे फिर जलील होंगे ये मैं मौला के बारगाह में कह रहा हूँ हम मौला हम सबको माफ़ फरमाएँ और हमारी गलतियों को माफ़ करें हम अपने वक्त के इमाम के ऊपर क्यों तवकुल नहीं करते तोल बे इमाम तवक्ल बेखुदा है खुदा के ऊपर तोल है छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम झूठ बोलना शुरू कर दें लोगों की खुशामदे शुरू कर दें इधर की उधर जो है वो वो करे अल्लाह के ऊपर और अपने इमाम के ऊपर जो है ना हमारा एतमाद नहीं है दूसरे लोगों के ऊपर एतमाद है क्यों हमारे अक्सर मामलत बिगड़ जाते हैं चूंकि हम जहूर के इमाम के मुंतज इमाम का मंतज़र वो शख्स है जो इमाम को अपने ऊपर हाजिर और नाजर समझ रहा है कि हमारा इमाम हजरत खुदा अल्लाह ने इस हजरत को हमारे ऊपर रखा है हम इसकी रियाया है हम जो है इन चीजों को छोड़ छोड़कर थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है तो मुश्किल के हमारे तहमुल नहीं है सब्र इस वजह से है कि जो जो मुश्किल आते हैं उसको तहमुल करना होता है यकीन जानो अगर हम ये दुनिया के जो लोग हैं ना इनको छोड़ के ना अपने वक्त के अमाउंट के ऊपर तवक्कुल करें ना भरोसा करें तवक्कुल करें यकीन जानो पायदार रहोगे सारी जिंदगी पायदारी आप लोगों की पैसे नहीं भी होंगे ना दिल आपका मुतमिन होगा ये याद रखिएगा आपके पास पैसे नहीं होंगे दिल मुतमिन होगा ये ये जो जो अतराफ़ की ये काम है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है नुकसान होगा और शदीद नुकसान होगा और हता हो सकता है कि इस तरीक़ से आप जो है वो माली दुनियावी अमवाल को इकट्ठा भी कर सको लेकिन ये अमवाल जो है वो आपके दिल को सकून नहीं पहुंचाएगा नुकसान पे नुकसान करते जाओगे अपने खुद जो है ना चूँकि वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने इमाम को अपने ऊपर हाजर और नाज़र जाने और अपने इमाम के ऊपर भरोसा करें और अगर हमने कोई ऐसे काम किए हैं ना फौरन तोबा कर लो जी नमाज हजरत इमाम जमाना आज तरज जो बड़ा मुजरब नमाज एक तो एक नमाज तोबा है नमाज तोबा भी आप देख लें मफातिजान में भी, भी मौजूद है चार रकत नमाज है और इस चार रकत नमाज में जो है वो तरीक़ा बाकायदा लिखा हुआ है फिर उसके बाद एक दुआ है जो बहुत ज़रूरी है उसको भी इंसान पढ़े चार रकत नमाज है लेकिन दो दो रकत नमाज की शक्ल में इसको अंजाम दें दो रकत पहले दो रकत बाद में ठीक है इसको आपने अंजाम देना है और उसके बाद जो है सूर अलहमद के बाद सूर अलहमद के बाद जैसे नमाज शफा में नहीं होता अलहमद के बाद आपने एक दफ़ा सूर सूर अखलास और उसके बाद पहली रकत में सूर नास कुल आउज रब नास और उसके बाद दूसरी रकत में जो है आपने नमाज सूब की तरह ये थोड़ी सी उसमें है आपने जो है सूर अलहमद के बाद सुरः अखलास और उसके बाद कुल आउज फलक सुर फलक ये आपने जो है वो अदा करना है और ये दो दो रकत के हिसाब से जो नमाज तोबा है वो कर ले इंसान अपने इमाम के साथ जोड़ जाए और एक नमाज़ जो है वो इमाम की जो मशहूर नमाज है दो रकत नमाज है उसमें ईया का नाबोजो व ईया का नस्तिन जो है ये सौ दफ़ा तकरार करना होता है अपने वक्त के साथ वक्त के इमाम के साथ तवसल को बरकरार रखें और इन शज़ीज़ कामयाबी जो है वो करीब हो जाएगी हम जो है वो खुशब हो जाएंगे इमाम ने फरमाया कि खुशब हाल उन लोगों के कि जो सबर के साथ हमारे जो ज़माने ग़ैबत में हमारे अमूर के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम अपने अमूर को अहल बैतः पे छोड़ते हैं इन शज़ीज़ वक्त इनतहा पर है और आखिर में हजरत ख़ुदा के जहूर के लिए दुआ करते हैं अल्लाम आज वलिया कल